नमस्कार दोस्तों, केमिकल डाल डालकर हमने अपनी जमीन की क्या हालत बना दी है, इसका उदाहरण है ये ज्वार का खेत। यहाँ पर ये जो ज्वार लगी हुई है, इसी के 10 दिन बाद एक और ज्वार लगाई गई किसान के द्वारा, लेकिन उसमें और इसमें जो अंतर है वो आपकी आंखें खोल देगा। ये अंतर क्यों है, चलिए जानते हैं उसी किसान से। दोस्तों ये है सुरेंद्र जी, इन्होंने ये ज्वार लगाई हुई है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, और जैसा मैंने बताया कि ये 10 दिन बाद लगी थी उस ज्वार से जो आपने अभी अभी देखी थी। तो चलिए सुरेंद्र जी से ही जानते हैं ये अंतर क्यों है और कैसे है। वावीरू, नया मैसी? सिर्फ मैसी नहीं मुखिया जी, नया मैसी डायनाट्रैक है। ये ट्रैक्टर ही तो है। क्या बोले महेंद्र, ट्रैक्टर? कभी देखिए इतनी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस ट्रैक्टर में। गिल्ले 12 नहीं 18 नहीं पूरे 24 गियर हैं। 24 है तेरे ट्रैक्टर में? दुनिया का पहला एक्सटेंडेबल व्हील बेस। कभी न खुलने वाला डायनालिफ्ट हाइड्रोलिक्स। कड़क मैक्स ओआईबी ब्रेक्स। महेंद्र का छोरा है ना तू, और भारत का इकलौता 4-in-1 क्वाड्रो पीटीओ। क्यों महेंद्र, अब भी सिर्फ ट्रैक्टर ही दिख रहा है? तो आंखें खुल गई और भाभी का घूंघट भी। डायनाट्रैक से बड़ा ऑलराउंडर कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर है। ये टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जी। सुरेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि ये जो ज्वार है ये आपकी, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, और जो केमिकल वाली है वो बहुत छोटी रहेगी, क्या अंतर, क्यों इतना फर्क आया? ये सिर्फ ये जहरमुक्त खेती है ना जी, उसी का कारण है जी। इसमें मैंने वेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत ये पानी के साथ दिए थे। अच्छा। इसमें कोई यूरिया नहीं, कोई डीएपी नहीं, कुछ भी नहीं, ना किसी तरह की कोई केमिकल स्प्रे। यानी कि आपने वेस्ट डिकम्पोजर और जीवामृत इसमें डाला। हाँ जी। कितनी जमीन में लगी है ये? ये है जी 1.5 किले में। 1.5 एकड़ में आपने कितना जीवामृत और कितना वेस्ट डिकम्पोजर? जीवामृत डाला इसमें 400 लीटर, 2 ड्रम डाले थे 200-200 लीटर के। 400 लीटर जीवामृत डाला, 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर। 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर। हाँ जी। तो ये डालने के अलावा और क्या डाला आपने इसमें? और कुछ नहीं डाला। और यूरिया डीएपी केमिकल कुछ डाला? कोई मतलब ही नहीं, एक दाना भी नहीं है, ना डीएपी का ना यूरिया का, किसी प्रकार का कोई केमिकल खाद नहीं। और उसमें जो आपने जो पीछे हमने दिखाई दर्शकों को, उसमें एक कट्टा यूरिया का डल चुका है। एक कट्टा यूरिया डल चुका है और पानी भी भरपूर दिया जा चुका है, लेकिन बीज वही था दोनों का? दोनों बीज सेम है। दोनों सेम बीज? सेम बीज। हाँ। यानी कि एक ही बीज जो 10 दिन पहले लगा, केमिकल तरीके से यूरिया भी डला, अच्छा पानी भी दिया, उसकी ज्वार हम देख रहे हैं इतनी इतनी है, 1.5 फीट की है, और आपने जो है कोई यूरिया डीएपी नहीं डाला, केमिकल नहीं डाला, उसके बावजूद ये। पर अक्सर किसान कहते हैं जी यूरिया नहीं डालोगे तो ज्वार बढ़ती नहीं है। ये तो देखिए आप देख लो, आपके सामने रिजल्ट है। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ कि खरपतवार नाशक भी कुछ नहीं डाला आपने, ये सब कुछ भी किसी तरह का नहीं, ये घास इधर ही आप डाल देते हो। एक कंसुआ नाम की बीमारी आती है ज्वार में, सबके लगी, सबने स्प्रे किए, लेकिन हमारे वो बीमारी भी नहीं आई जो कंसुआ नामक बीमारी। हाँ, वो मेन गोब में आओ कंसुआ बीमारी। अच्छा। उसे ज्वार खत्म हो जाए, ऊपर बदबार नहीं होती, लेकिन हमारे वो कंसुआ लगाए नहीं। अच्छा। क्योंकि ये कुदरती खेती है। तो इसमें आप कब से कर रहे हैं? इससे पहले क्या था? इससे पहले इसमें बरसम थी। बरसीम थी? हाँ। उससे अगले साल भी इसमें बरसम थी। अच्छा। इसमें हाँ। आपने हरी खाद ही लगाई है, मतलब हरी ये जीवामृत और चारे के लिए ही आपने इसमें लगाया है? हाँ। तो जो उसके बाद आप सिर्फ डीकम्पोजर और जीवामृत डालते हैं और इसका फसल अवशेष या घास फूस इसके अंदर ही मिला देते हैं? इसी के अंदर। ये जो मल्चिंग हो रही है ना जी, ये देखो इसके नीचे कैचवा काम करेगा। सुरेंद्र जी एक और बात, जो पानी की खपत जैसे हमने उसमें देखा फ्लड इरीगेशन, अच्छा बहुत ज़्यादा पानी दिया, आपके यहाँ कितनी जरूरत है पानी? इसमें अब तक हमने 3 ही पानी दिए हैं सर। अच्छा। शायद उनमें 4 पानी तो जरूर आ लिए, उनमें वैसे मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है उसमें कम से कम 4 पानी आ लिए, और ज़्यादा पानी दें इनसे, इसमें पानी भी कम लगा है, और जब धरती ट्रैक्टर से बहाओगे ना तो धरती भी मतलब जहाँ और 5 बार लगेगी वहाँ इसमें 3 में ही काम चल जाएगा। यानी जुताई जहाँ दूसरी जमीन में 5 बार करनी पड़ेगी, वहाँ ये 3 बार में। तीन बार में करना। कारण क्या है? जमीन पोली हो रही है। जमीन पोली हो रही है।
अच्छा कैंचवे से, यानी कि इसमें कैंचवा आ जाता है। कैंचवा आ जाए नीचे से, मतलब जो जीवामृत जो डाला है ना उसकी वजह से कैंचवा 15 फुट नीचे से ऊपर आता है गोबर और गौमूत्र की महक लेके। ये बिल्कुल सुरेंद्र जी ने सही कहा कि देखिए केमिकल नहीं डालने की एक पहचान है कि कैंचवा ऊपर आ जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होगा उसमें या जीवामृत घन जीवामृत डलेगा तो वो कैचवा ऊपर आता है और कैचवा के एक्सक्रीटा आपको जगह जगह नजर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सुरेंद्र जी जो कह रहे हैं वो सही है, यानी कि ये केमिकल नहीं डालते, ऑर्गेनिक तरीके से जवार ये पैदा कर रहे हैं और यही जवार आप अपने पशुओं को डालते हो और उसका दूध भी अब ऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक फर्क नजर आता है कुछ? बिल्कुल जी, दूध पीने में नहरा ही मजा है, टेस्ट बढ़ गया, टेस्ट बढ़ गया। और तो ये देखिए, ये दूध जो हमने पिछली स्टोरी में भी दिखाया था, दूध बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारे भोजन का, उसको भी ऑर्गेनिक करने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है। चारा ऑर्गेनिक और कपास भी इन्होंने लगाई है, उस कपास में भी कोई केमिकल नहीं डाल रहे, उसका जो बिनोला निकलेगा उसे खुद निकलवा कर अपने पशुओं को खिलाएंगे। तो इस तरह से पूरा साइकिल जो है ऑर्गेनिक हो गया भोजन। गेहूं खुद उगाते हैं वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, केमिकल फ्री है, और सरसों भी, और जैसे बता रहे सरसों और दूध भी। तो हमारी कोशिश है कि केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा मिले, डालना भी पड़े तो उतना ही डालिए जितना रिकमेंडेड डोज है, इससे जमीन की उपजाऊ ताकत बनी रहेगी। नहीं तो ज़्यादा केमिकल डालते जाएंगे तो हालत वही होगी जो हमने पहले दिखाई, खेत में बराबर बीज था, वही बीज है, खेती वही है, लेकिन ये जवार इतनी बड़ी है और वो जवार अभी 1.5 फीट की भी नहीं हो पाई है जबकि उसमें खर्चा ज़्यादा हुआ है। हमारी कोशिश है कि किसानों का खर्च कम हो ताकि उनका लाभ बढ़े, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप केमिकल को हटाते जाएं और नेचुरल तरीके अपनाते जाएं ताकि आपकी आय बढ़े और उपभोक्ताओं को भी शुद्ध उत्पाद मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।